नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कुछ ही देर में नैनी जेल से प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा। जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों को अलग अलग वैन से अलग अलग रास्ते से कोर्ट ले जाया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दी। पुलिस ने जेल के मुख्य गेट के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी है और जेल में बंदियों से मुलाकात बंद है। अमेरिका के नैशविले में एक स्कूल में सोमवार सुबह हुई फायरिंग में 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे हमलावर ऑडी हेल में राइफल और हैंगटन से द कॉमनेंग स्कूल से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल में पहुंची और 15 मिनट के भीतर ऑडरी को मार गिराया। वह 2 राइफल और 1 हैंडगन लेकर के स्कूल पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि 28 साल की ऑडरी इस स्कूल की स्टूडेंट थी। वह ट्रांसजेंडर थी और सोशल मीडिया पर खुद की पहचान पुरुष बताती थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले में अमेरिका भी लगातार नजर रख रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने सोमवार को कहा कि भारतीय कोर्ट में चल रहे इस मामले पर हमारी नज़र है। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने भी इस केस पर जमैका के तेज धावक और 100 मीटर रेस में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हुसैन बोल्ट का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार के साथ ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई की और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया, उसे देखकर तो हुसैन बोल्ट भी हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर नहीं उतरने वाले नेताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। डोटासरा ने पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद किए जाने वाले धरने, प्रदर्शन और आंदोलन में एक्टिव नहीं रहने वाले नेताओं की पदों से छुट्टी करने तक की चेतावनी दे दी। दरअसल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में हाल ही के दिनों में पार्टी के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।